मित्रों, फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि आप भले ही बहुत गिने चुने लोग ही इस वीडियो का ऑडियो का उपयोग लेते हैं, फिर भी आप सब बधाई के पात्र है। एक व्यक्ति को भी वीडियो काम आ जाए, ऑडियो काम आ जाए, उसमें की कोई एक बात काम आ जाए तो भी मेरा प्रयत्न सार्थक हुआ। अन्यथा मैं तो बहुत बार ऐसा सोचता हूँ क्या उपद्रव, क्या करना है, कौन तो देखता है। फिर भी मित्रों, ये साधना का पथ है, बहुत दुर्गम पथ है। बहुत बिरले बिरले ही लोग साधना की ओर जाते हैं, ध्यान की ओर जाते हैं, दान की ओर जाते हैं, तप की ओर जाते हैं। यह सामान्यों का काम नहीं है, इसमें असामान्यत्व है। आप अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझिए। और ऐसी निर्गुण साधना बिना किसी साधन के, गुरु जी कहते हैं ना, बहुत पुण्यवान लोग होते हैं जो कि सांस पर साधना कर सकते हैं। उससे भी दादा गुरु कहते हैं सयुवाकिन, जो संवेदनाओं पे काम कर सकते हैं। मित्रों, जब हम श्वास पर या संवेदना पर काम करते हैं ना, तो ही विचारों के रूप में अनेक जन्मों में संचित हमारे विकार विचार शरीर पर दुखद संवेदना लेकर या शरीर पर सुखद संवेदना लेकर प्रकट होते हैं। हम उसे दृष्टा भाव से देखते हैं तो वो उनकी निर्जरा हो जाती है, वो समाप्त हो जाते हैं, कभी कभी जड़ से भी निर्मूल हो जाते हैं। और मित्रों, एक बात याद रखो, जब हम शरीर की संवेदना या सांस को भी दृष्टा भाव से देख रहे हैं तो जीवन को भी हम दृष्टा भाव से देखना शुरू कर देते हैं। जीवन की भी आसक्तियां समाप्त हो जाती है, कार्य तो चालू रहते हैं पर आसक्ति नहीं रहने से हम दुखों से बाहर रहते हैं। या ये एक मजा बोल के हम समझते हैं, ये एक नाटक चल रहा है, एक सिनेमा चल रहा है, हम तो दर्शक है। कोई दर्शक तो सिनेमा में भी रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, लेकिन हम एक तटस्थ होकर इस ड्रामा को, इस सिनेमा को अच्छी तरह से एंजॉय, यानी कि अच्छी तरह से हम इस सिनेमा को अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बहुत गंभीर और बहुत दिलचस्प और रोचक बातें बताऊंगा कि जो बार बार मन में उठती तो थी, बार बार वीडियो भी बनाने लग जाता था फिर छूट जाती थी। आज बताऊँगा क्या हुआ। अब तीसरे कोर्स की बात, मित्रों, तीसरे कोर्स तक पहले कोर्स में ही मैंने अनेक किताबें बिकत ली, अनेक ये गुरुजी के जब कैसेट्स चलते थे तो कैसेट्स, सभी कैसेट्स बिकत लिए, बहुत सा पढ़ने की कोशिश की, कहीं कुछ रुचि पूर्ण लगा। क्या रहता है, साधक की अलग अलग मनोधाराएं चलती रहती है, जब उसको अलग अलग अच्छा लगने लगता है, कभी साधना के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कभी साधना के बारे में सुनना अच्छा लगता है, कभी कभी साधना में हम जहां तक पहुंचे वहां की बात अगर हमें मिल जाए तो अच्छी लगती है। मित्रों, सेवा में भी बहुत मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है मैं आपको बताता हूँ। सेवा में हम क्या होता है, हम आँखें खोल के साधकों को, अनेक भावों के साधकों को, अनेक समाज के अनेक उच्च नीच या जो भी समझो आप समझ सके, या ऐसे विचारधाराओं के लोगों को हम एक साथ हमें देखने का अनुभव मिलता है। उनकी भावावस्था पहले दिन कैसी, दूसरे दिन कैसी, तीसरे दिन कैसी, चौथे दिन कैसी, पांचवें दिन कैसी, ये देखने को मिलता है। उनके उतार चढ़ाव, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सफाई वाला है, कोई और भी कुछ है, ऐसे सबके भाव अलग अलग है, वो देखने का अपने को बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो अवश्य जिन्होंने साधना की है उन्होंने अवश्य एक शिविर में जाके सेवा देनी चाहिए। तो उसमें आंखें खोलकर आपको फिर अपनी अवस्था से उनसे हम तुलना नहीं करनी है, लेकिन फिर हमारी अवस्थाओं का हमें पता चलता है। थोड़ा ध्यान में कैसे कैसे तूफान आते हैं उसका पता चलता है। कोई पहले दिन मुखड़ जाता है, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, कोई फिर तीसरे चौथे दिन विपश्यना मिलने के बाद बैठ जाते हैं, अरे बाबा कब तक ध्यान करना है, ये ध्यान ही करना है, ये तो संवेदना तो मिल रही नहीं। उनके चेहरे पर से हमें
अलग अलग भाव शरीर के हलचल से अलग अलग भाव पता चलते हैं। तो मित्रों हुआ क्या, तीसरे बार जब मैं करने गया विपश्यना का शिविर, एक ही साल में तीसरा शिविर था मेरा ही, पहला धम्मगिरी, फिर धम्मखेत, फिर धम्मगिरी में अक्टूबर महीने में एक ठंडी के मौसम में, बहुत आह्लाददायक मौसम, अक्टूबर का मौसम धम्मगिरी का फरवरी या दिसंबर, हर मौसम धम्मगिरी के तो इगतपुरी के बहुत ही सुंदर होते हैं, और ऐसी दूध की धाराएं बहती रहती है जब बारिश का मौसम होता है, और ऐसा ध्यान लगता है, वो धारावत ध्यान जिससे बोलते हैं वो वहाँ लगता है, क्योंकि धाराएं जब देखते हैं पहाड़ों से गिर रही है तो बड़ा मनोरंजन और बड़ा मन को लुभावना और ध्यान योग्य वातावरण होता है। तो हुआ तीसरे शिविर में मैं गया, तो तीसरे शिविर में क्या हुआ कि भाई एकदम नाक के नीचे जो है, तीसरे दिन बस गुरुजी कहते हैं ना, तीसरे दिन के दिन क्या है, इंस्ट्रक्शन देती है कि आप सांस भी जानिए और सांस कहाँ छू रही है उस जगह को भी जानिए सवेरे 8 से 9 के साथ में। तो वो जानने की कोशिश करते, ऐसा वहाँ का कुछ वो सुखद या प्रीतिकर संवेदना शुरू हो गई, एक नस ऐसी नाक के बिल्कुल नीचे, वो जो बीचों बीच वाला भाग होता है वो ऊपर वाले होंठ के ऊपर, उसके ऐसी एक संवेदना शुरू हो गई, ऐसी हलचल प्रिय और एकदम सूक्ष्म शुरू हो गई कि जैसे मुझे उसका कंपैरिजन तुलना मैं करने लग गया कोयल की कूक से, वैसी शुरू हो गई। बस उसी में मैं विभोर रहा, यानी कि जान तो रहा था ये है, कभी समझो ऐसा भी लग रहा था ये तो प्रीतिकर है, ये बहुत सुखद है, लेकिन समझ रहा था ये देखो ये है, अब ये जागी है, ये साधना का कमाल है। वैसे गुरु जी कहते हैं साधना के पथ पर उठाया गया कोई कदम व्यर्थ नहीं जाता, यानी कि कौन से कदम है इसमें, हम किसी को मोटिवेट भी करें, किसी को हम प्रोत्साहन भी दें ध्यान करने के लिए, साधना को जाने के लिए, उसका फॉर्म भर दे या उसे वहाँ जाने के लिए सहूलियत दिला दे या उसकी कोई मदद कर दे, तो भी ये बहुत बड़ी साधना में, हमें भी वैसी ही प्रकार से साधना के लिए जहाँ पर हमारा कुछ रुकावट होगी, कुछ पुराने कर्मों के कारण हमें रुकावट आती होगी, वहाँ से भी हम बाहर निकल जाएंगे। फिर मित्रों क्या हुआ, एक बार चौथा या पांचवा कोर्स होगा मेरा, धम्मगिरी पर ही था, मैं चौथे दिन विपश्यना दी, फिर भी अभी तक तो संवेदनाएं उतना कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन मुझे बचपन से ही यह मालूम था कि घटना कभी भी घट सकती है और हमको सिद्धियां मिल सकती है। ये सिद्धियों के बारे में, जैसा गुरुजी को माइग्रेन बहुत बड़ी समस्या थी जिसे माइग्रेन हुआ है उसी ही ये मालूम होगा, तो गुरुजी की समस्या पहले शिविर में ही ख़त्म हो गई, तो मुझे समस्या कुछ नहीं थी, शारीरिक व्याधि या मानसिक कोई तकलीफ या घर में भी कोई अभाव ये नहीं थे, तो भी मुझे ऐसा लगता था पहले से ही कि भाई किसी भी क्षण आप अगर सही ट्रैक पर है, अब रेलवे का ट्रैक है समझिए, और वो जा रहा है मुंबई की ओर, और मुंबई की ओर के ट्रैक पे हम अगर खड़े चलने लग गए रेलवे से, तो धीरे धीमे जाओ या जल्दी जाओ, स्टेशंस आने के आने वाले ही है, वो स्टेशंस के रूप में कभी भी सिद्धियाँ आ सकती है, ऐसा लगता था। तो गुरुजी भी जैसा कहते कि साधना के क्षेत्र में उठाया गया कोई कदम व्यर्थ नहीं जाता, तो साधना करती ही रहनी चाहिए और हर वक्त ये देखना चाहिए कि हम कौन से शील पालन कर रहे हैं, सत्य का शील पालन कर रहे हैं, मितभाषिता का शील पालन कर रहे हैं, या मधुर बोलने का शील पालन कर रहे हैं, या किसी को हौसला बंधा रहे हैं, किसी को आवश्यकता अनुसार दान दे रहे हैं। मित्रों इसमें होता यह है कि साधक का मन इतना परिचित ज्ञान तो बाद में होगा, लेकिन ये भी परिचित ज्ञान है जब आपको सामने वाले की आवश्यकताएं मालूम होने लग जाए कि अरे इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको इस चीज़ की, और आप उसको देने लग जाए, तो ये भी परिचित ज्ञान ही हुआ ना। वो भले ही आगे की अवस्था का परिचित ज्ञान ऐसा है कि हम बैठे हैं और सामने वाले की चित्त को जान रहे हैं, वो भी होता है, वो आगे है। फिर क्या होता है, अब क्या होता था, जब भी मैं बंद कमरे में ध्यान करने घर पर बैठा हूँ तो एकदम उजाला लगता था, जैसे किसी ने लाइट जला दी हो, तो बहुत बार लगता था कि यार कहीं मैंने बटन तो ऑन करके नहीं रखा ट्यूब का, जिसके वजह से एकदम जो है सो लाइन आ गई हो, जब नहीं हो और लाइन आ गई हो, फिर नहीं नहीं लाइन तो गई वाली नहीं थी, मैंने बटन भी चालू नहीं किया, फिर भी एक उजाला सा लगता था, बहुत ऐसे कि शार्प उजाला नहीं जिससे कि आँखों को तकलीफ हो, लेकिन उजाला हो गया ऐसा लगता था। बहुत बार शून्यागार में, जैसे लादनी वो शून्यागार होते उसमें जाके बैठता था, उसमें भी ऐसे
ऐसे लगता था, तो फिर मैं समझता था ये दिव्य प्रकाश दिख रहा है, ये एकाग्रता का फल है। इसके भौतिक लाभ जीवन में भी किसी परिस्थिति को देखने लग जाते हैं, हम उसके बहाव में नहीं बहते बल्कि एकदम उसके रूट में चले जाते हैं कि इसका कारण ये है, वो कारण निकाल देते हैं, काम हो जाता है। लोग क्या हो जाते हैं, उसमें बहाव में बहने लग जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है। तो ये दिव्य में बैठे बैठे कभी कभी तारों जैसा एकदम आँखें बंद है और सामने तारा दिख रहा है, एक तारा सा टिमटिमा रहा है, वैसे भी होता था। यानी कि अनेक प्रकार से दिव्य जो दृष्टि कहे या दिव्य ज्योति कहे वो दिखने लग जाती है, बस वो दिखने लग जाती है। तो चौथे दिन क्या हुआ, जब विपश्यना देने के बाद में मैं बस ऑर्डिनरी लिया, सो गया, रात को सो गया, तो 2-3 बजे जिस उस पर पलंग तो नहीं रहते ना, वो एक इसका होता है अपना बड़ा पत्थर होता है, उस पर गादी लगाए वाली होती है, और अकेला ही था आय में, तो एक ही साधक के साथ, क्योंकि पुराने साधक हो जाने के बाद में एक अकेले के लिए एक दे देते हैं, वो एक सिंगल रूम मांगता कभी भी नहीं था मैं, वो मिल गई। तो उसमें पूरा शरीर धुजने लग गया, तो मैं जैसे कुछ भूकंप आया हो इस प्रकार पूरा शरीर में धुजन थी। फिर मैं थोड़ा सा ऐसा देखते रहा, अरे ये शरीर धुज रहा है, मैं सपने में भी नहीं हूँ, मैं पूरे जागृति में हूँ। फिर जैसे धुजन धीरे धीरे कम होती गई, फिर मैं उठा, पेशाब करके आया, फिर सो गया मैं। लेकिन इस बार ये था, खुश था, क्योंकि कुछ रिजल्ट, जो साधक को क्या है, चाहता है कि कहीं से कुछ मिले, जैसे अभी मेरे बोलने से आपको भी कुछ आधार चाहता है कि अरे क्या हो रहा है, कुछ भौतिक रूप से उसको कुछ दिखे, कुछ हो, तो फिर वो साधना में भी उसे रस आता है, नहीं तो साधना उसको निरस लग जाती है। इसलिए भी मैं आपको कह रहा हूँ, कभी भी हो सकता है ये ऐसा, ये दूजन से क्या होगा, पर अब शरीर खुल रहा है इतना मालूम होगा। यह कोई मैं यह नहीं कहूँगा कि ये भंग अवस्था है, ऐसा नहीं, बस शरीर में पूरी धूजन थी, खूब धूजन। फिर उसके बाद चौथा शिविर वैसा हो गया। फिर मैं एक बार पांचवें शिविर के लिए फिर धम्मखेत गया। धम्मखेत जाने के बाद में पांचवें शिविर में मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक हमारे पांचवें शिविर के साथ साथ सतीपट्ठान का भी शिविर शुरू था। तो ये सतीपट्ठान क्या होता है, तो सतीपट्ठान भगवान बुद्ध ने जो सूत्र साधना के कहे हैं वही सूत्र गुरुजी हमें उनके जो इस त्रिपिटक में आए हुए हैं वही हमें गुरुजी बताते हैं, महासतीपट्ठान सूत्र ऐसा। वो 7 दिन का शिविर रहता है, यानी कि 0 डे पकड़े और आखिरी का मैत्री दिन भी पकड़े तो 9 दिन का शिविर हो जाता है। तो वो 3 शिविर के बाद व्यक्ति कर सकता है, और 1 साल हो जाने के बाद, हमारे तो 2 साल हो गए थे साधना करते हुए, और अब तो फिर हमने सोचा कि वो शिविर करेंगे, सतीपट्ठान करेंगे, एक बार भगवान बुद्ध ने साधना कैसे समझाई है सूत्र रूप में वो देखेंगे। तो फिर हमें ढूंढना पड़ा कहाँ लगे, तो बेंगलोर में शिविर लग रहा था एक स्कूल में ऊपर, तो फिर हमने बेंगलोर का शिविर किया। वहाँ पर गोयनका जी के ही कोई गुरुजी के अपने कोई भाई वगैरह थे, वो वहाँ पर वो उसका आयोजन देखते थे, तो उनसे भी सुनने का मौका मिला। उन्होंने भी एक अपना छोटा सा डिस्कोर्स कहे या प्रवचन कहे वह आखिरी के दिन दिया, बड़ा ही रोचक, बहुत अच्छा अनुभव था उनका भी। तो उसके बाद 5 शिविर हो गए थे, 1 सतीपट्ठान हो गया, तो फिर मैंने सोचा 20 दिन करना है, तो 20 दिन के लिए फिर कहाँ करना है, तो मैंने सोचा देहरादून जाके करेंगे हिमालय में। बस देहरादून का वो तो ऐसा है धम्म सलील, तो वो IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आगे, यानी कि देहरादून से एक लगभग 20 किलोमीटर पे है वो, और वो वहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के आगे जाना पड़ता है, एक छोटी सी नदी भी बीच में लगती है जो ऊपर से मसूरी से आती है, और अगर शाम के समय हम देखें ना तो देहरादून के उस पगोड़ा भी है वहाँ पे और शून्यागार है, तो वहाँ से इतने सुंदर टिमटिमाते लाइट दिखते हैं मसूरी के, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। तो उसमें क्या हुआ, अब इसमें होगा भाई, कभी तो हो जाएगा, ज़्यादा लालायित नहीं था, व्याकुल नहीं था मैं कि मुझे मिलना ही चाहिए भाई, वो सिद्धियाँ मिलना ही चाहिए, नहीं, मिलती है सिद्धियाँ, ये मन के लिए एक लॉलीपॉप समझिए, एक प्रकार से मन को एक खिलौना, ये ऐसे मिलते रहते हैं, तो फिर मन उस हिसाब से काम करने लग जाता है, कुछ तो घटना अभूतपूर्व अलौकिक घटेगी ऐसा लगता। फिर शिविर कर रहा था, रामनिवास जी शर्मा साहब हमारे जो सीनियर टीचर है वो हमारे आचार्य थे, जब 30 दिन का भी चालू था और 20 दिन का भी शिविर वहाँ चालू था, तो 20 दिन में बैठा था मैं और धर्मपत्नी दोनों जने बैठे। तो फिर एक दिन क्या हुआ,
कुछ मालूम नहीं रहता, घटना कभी भी घट सकती है मित्रों, ऐसा नहीं कि हम बहुत जागरूक है जब ये घटेगी या बहुत सीरियस है जब। एक डेढ़ एक बजे मैं जाके शून्यागार का समय था, बैठा ध्यान में, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा थोड़ी देर लगी, सांस देख रहा था, क्योंकि उसमें 7 दिन का ये होता है, जब 20 दिन का कोर्स है तो 7 दिन तक आनापान चलती है, 5वें 6वें दिन की आनापान होगी। अब बैठा हूँ, मुझे कभी सांस नहीं चढ़ती, सांस नहीं लगती, मैं बहुत व्यायाम करता था, कुछ नहीं लगता, लेकिन वहाँ बैठा था अचानक सांस ऐसा तेज 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 होती गई। अब बैठा हूँ मैं, कुछ कर नहीं रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं, बहुत बहुत सुंदर मीठी मीठी संवेदना थी उस सांस की, मीठा सांस चल रहा था या धीमा सांस चल रहा था, बड़ा सुंदर सांस, उसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, ये अनुभव जो होते हैं वो वर्णन के बहुत आगे के होते। तो बैठा हूँ तो ऐसी सांस चल रही और बस चलते तेज 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 होते होती, छोटी छोटी धीमी 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 धीमी, जैसे कुछ केवल कुंभक लग गए, ऐसी अवस्था, बिल्कुल कुंभक लग जाए, बस ऐसी अवस्था में तक पहुँच गया, फिर कुंभक लगा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं उसमें छेड़कर मैं बोला था जैसी सांस चल रही है वैसी, ऐसा एक 10-15 मिनट चलते रहा, अलौकिक अनुभव मिला, ये एक संबल मिला, ये एक आधार हो गया मेरे को आगे के शिविर करने के लिए, फिर और आगे के शिविर में करते गया 30 दिन वगैरह। तो अब और एक शिविर में फिर क्या हो गया कि आपको जैसे रात किरणों की कुछ आवाज़ आप सुने कि ऐसी चलते रहती, ये आवाज़ अगर इसको हम स्लो मोशन में करें तो कैसा हो जाएगा, ऐसी घुंघरुओं की छनछनाहट दाहिने कान में शुरू हो गई, यानी कि दाहिना जो कान है, बिल्कुल ये पढ़ा भी था मैंने, इसलिए पढ़ा था इसलिए भास हो रहा था, भासों की मेरे पास बात ही नहीं, क्योंकि गुरु जी ऐसा भी कहते हैं ना कि हेलुसिनेशन यानी कि भास आभास इन चीज़ों को इसमें कोई स्थान नहीं है। अब कोई साधक बैठा, मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर के देख रहा हूँ, तो गुरु जी कहते हैं भाई अब ये अगर अब प्रगाढ़ रूप से आपको दिखने लग जाए तो आप क्या करो, आप देख लो आँख खोल के कि नहीं भाई मैं उड़ तो नहीं रहा हूँ, मैं फिर बैठा हूँ, फिर उस सत्य को स्वीकार करो, सत्य के स्वीकार करने के लिए आँख खोल के देख लो कि मैं बाहर तो खड़ा नहीं हूँ, भाई देखना शरीर तो यहीं है, इसे ही देख रहा हूँ। तो इस प्रकार के भास आभास प्रभास इन चीज़ों को इसमें कोई भ्रम इसको कोई स्थान नहीं, कल्पना इसको कोई स्थान नहीं। तो कान में घुंघरू सी आवाज़ धीरे 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 धीरे, अब हर वक्त मैं देख लिया कान चेकअप क्या करना है उसको, मगर मेरे को कान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसा लाइट दिखता था वैसा ही मैंने समझ लिया। अनेक बार हो गया जब जब मैं बैठता हूँ एकाग्रता से बैठता हूँ तो कान में घुंघरुओं की सी आवाज़ें शुरू हो जाती है। तो मित्रों ये होना है। वैसे भी देखिए कि गंध किसी भी प्रकार के अगरबत्ती परफ्यूम पाउडर लगाने से मनाई की जाती है, इसके पीछे कारण क्या है, एक मेरे हिसाब से तो ये आज अब जब किसी तरह की कोई खुशबू का तेल वेल नहीं लगाया है और आपको गंधगर अलग से आ रही है, कुछ और बहुत मधुर अच्छी गंध आ रही, तो इसका मतलब या कोई बुरी भी आ रही है, कभी कोई वेग ऐसा है जिससे कि एक गंदगी भरी भी बदबू भी आ सकती है बिना कारण, मगर जब ऐसी आ रही है तो फिर हम आप समझ सकते हैं कि अरे ये कुछ तो भी अलग बात है। अभी दिव्य गंध मुझे तो शुरू नहीं हुई, कई कई बार लगा ऐसा दिव्य गंध आ रही थी, जब मैंने देखा कि अरे ये फूल आजू बाजू से फूलों के, यहाँ रातरानी के पास से जा रहा हूँ या यहाँ केवड़ा के पास से जा रहा हूँ, जब आ रही है तो ठीक बात है। कभी कभी साधक भी कोई 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 तेल खुशबूदार लगा के आए, गलती से नया साधक है कुछ लगा के आ जाए तो भी आती है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो ये ऐसा चल रहा था। अब इसीलिए क्या है, अभी इतने साल हो गए भगवान बुद्ध 2500 साल पहले होके गए, आज भी उनकी कुटीर को जैतवन की गंध कुटीर कहते हैं। क्यों कहते हैं, शायद आजू बाजू जैसे भगवान बुद्ध का शरीर भी एक एक हेम के समान एक स्वर्ण के आभा लेकर था, क्योंकि साधक का काया बन जाती है धीरे धीरे, आज ही हम साधना करें और आज ही सब कुछ हो जाए यह कुछ होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यह होता है। अब ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, और भी बातें बतानी है, लेकिन अब अगले इसमें बनाएंगे हम। धन्यवाद आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बहुत बहुत साधना में प्रगति हो, यही मैं मनोकामना करता हूँ।